एक्सलेंसी नमस्कार, आपके रिमार्क्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सलेंसी, कोविड 19 से फिनलैंड में हुई जानहानि के लिए पूरे भारत की ओर से मेरी हार्दिक संवेदनाएं। आपके नेतृत्व में फिनलैंड इस पैंडेमिक को कुशलता से हैंडल किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। एक्सलेंसी, इस पैंडेमिक के दौरान भारत ने अपने डोमेस्टिक संघर्ष के साथ साथ विश्व की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। पिछले साल हमने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भेजे थे और हाल में हमने लगभग 70 देशों को भारत में बनी वैक्सीन की 58 मिलियन से अधिक डोजेज पहुंची है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मानवता को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। एक्सलेंसी, फिनलैंड और भारत दोनों ही एक रूल्स बेस्ड, पारदर्शी, मानवतावादी और लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, एनवायरमेंट, एजुकेशन, ऐसे क्षेत्रों में हमारे बीच मजबूत सहयोग है। पोस्ट कोविड काल में वैश्विक आर्थिक रिकवरी के लिए भी सभी सेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में फिनलैंड ग्लोबल लीडर है और भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर भी है। और आपने जब क्लाइमेट की चिंता की तो मैं कभी कभी हमारे मित्रों को मजाक में बताता हूं कि हमने प्रकृति के साथ इतना अन्याय किया है और प्रकृति इतनी गुस्से में है कि आज हम सभी मानव जात को हमको मुंह दिखाने लायक रखा नहीं है और इसलिए हम सबको मुंह पे मास्क बांध करके अपना मुंह छुपा करके घूमना पड़ रहा है क्योंकि हमने प्रकृति के साथ इतना अन्याय किया। ये मैं अपने साथियों के बीच में मजाक में कभी कभी बताता रहता हूं। भारत में हमने क्लाइमेट संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हमने 2030 तक 450 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इनिशिएटिव भी लिए हैं। मैं फिनलैंड को आईएसए, आईसा और सीडीआरआई में जुड़ने का आग्रह करता हूं। फिनलैंड की क्षमता और विशेषज्ञता में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आपकी जो महारत है इसका लाभ मिलेगा। एक्सलेंसी, फिनलैंड न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान रखता है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग की संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम आईसीटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई पार्टनरशिप घोषित कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्रालय भी एक हाई लेवल डायलॉग आरंभ कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आज की हमारी समिट से भारत फिनलैंड संबंधों के विकास में और गति आएगी। एक्सलेंसी, आज यह हमारी पहली मुलाकात है। अच्छा होगा अगर हम रूबरू मिल पाते, लेकिन पिछले एक साल में हम सभी को टेक्नोलॉजी की मदद से मिलने की आदत बनती जा रही है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमें शीघ्र ही पुर्तगाल में इंडिया ईयू समिट और डेनमार्क में इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान मिलने का मौका मिलेगा। मैं आपको भारत की यात्रा करने का भी निमंत्रण देता हूं। जब भी सुविधा हो
आप अवश्य भारत आए। मैं प्रारंभिक बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर अगले सत्र में हम आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।